अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं मोज़रेला चीज़। घर के अंदर मोज़रेला चीज़ किस तरह से बनाई जाती है, इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो मैंने, और वो बिल्कुल फ्रेश मिल्क है, फुल क्रीम मिल्क। और उसके अंदर जो है हम लोगों ने 3 टेबल स्पून हम विनीगर ऐड करेंगे। अभी मैंने इसको चूल्हे पे रखा है, चूल्हे पे हम लोगों ने इसको हैंड, मेरे बिल्कुल साफ़ हैं हाथ, बिल्कुल साफ़ होने चाहिए आपके इसको बनाते हुए। आपने इसको चेक करना है ऐसे ही हमारे पास, क्योंकि कोई थर्मामीटर, कोई टेम्परेचर को मेजर करने वाला है तो टूल नहीं है, बट ये है कि इसको जो है बिल्कुल लूक वॉर्म होना चाहिए। लूक वॉर्म मीन्स नीम गर्म दूध होना चाहिए, ज़्यादा गर्म दूध नहीं हमने करना। अगर इसको बॉयल आ गया और उसके बाद हम इसको जो है विनीगर ऐड करेंगे तो वो चीज़ बन जाएगी। हमें इसको कॉटेज चीज़ नहीं बनानी है, हमने इसको वो मोज़रेला चीज़ बनानी है। मोज़रेला चीज़ के लिए हमें बार बार इसको चेक करना पड़ेगा कि ये नीम गर्म दूध मीन्स दूध की जो है गर्माई या गर्म वो इतना होना चाहिए कि आपका हैंड उसके अंदर जा सके, वो आपको ज़्यादा गर्म ना लगे। इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया और अब मैं इसको साथ साथ चेक करती रहूँगी। ये बिल्कुल नीम गर्म होना चाहिए, ये हल्का हल्का होना स्टार्ट हो गया, मैं इसको ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी। हम लोग इसको ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते, अगर ज़्यादा गर्म करेंगे तो जैसे कि मैंने पहले बताया वो कॉटेज चीज़ बन जाएगी। ये बिल्कुल हो गया, मैं इसका चूल्हा फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, मैं इसके अंदर विनीगर ऐड करूँगी। नाउ आई एम एडिंग विनीगर स्लोली एंड ग्रेजुअली, इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके आप विनीगर ऐड करें। साथ साथ आप इसका जो है स्पून चलाती जाएंगी तो ये साथ साथ से ही जो है ना दूध फटना शुरू हो जाएगा आपको साथ। ये देखें जिस तरह से वो स्पून के ऊपर आना स्टार्ट हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता विनीगर ऐड करते जाएँ और जो ये है ये फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा मोज़रेला चीज़ की। एज यू कैन सी सारा कर्डल जो है, सारा चीज़ अलग हो गया। ये देखें कितना खूबसूरत मोज़रेला चीज़ बना है। अभी भी कुछ स्टेप्स हैं, अब इसके बाद हम इसको गर्म पानी में ऐड करेंगे। सारा मिल्क में से जो है चीज़ अलग हो गई है, इसको मैं स्टेन करूँगी अच्छे तरीके से। इसको हम अभी निकाल लेंगे, मैं इसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर रही हूँ। ये मैंने इसको अब स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया है, कपड़े मलमल का कपड़ा रख के उसके अंदर मैंने इस चीज़ को डाल स्ट्रेन कर लिया था और अच्छे तरीके से निचोड़ के मैंने इसको निकाल लिया था। बाकी का जो पानी उसका बचता है वो डिस्कार्ड नहीं करते, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में आप उसको रख लें, उसके बाद आटा उस पानी से गूंद सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी वाटर होता है, तो आप उससे जो है नान वगैरह का आटा गूंद सकते हैं। तो जब भी बेकिंग के लिए आपको कोई भी गूंदना होता है आटा, तो आप उससे वो पानी से गूंद सकते हैं। मैं इस चीज़ को इसके अंदर डाल रही हूँ, अब हाथ नहीं मैं लगा सकती क्योंकि पानी बहुत गर्म है, आप भी तैयार कीजिएगा। इसको स्पून के साथ ही अच्छे तरीके से पानी के अंदर से मैं इस तरह से प्रेस करूँगी ताकि जितनी भी इसके अंदर दूध वगैरह है वो निकल जाए। दूसरा ये कि अब इसको हाथ से उठा के मुझे स्ट्रेच करना है, तो क्योंकि अभी ये गर्म है मैं अब इसको निकालूँगी इसके अंदर से। अब मैं इसको स्ट्रेच करूँगी, पहले दिखाती हूँ आपको। अब मैं इसको ऐसे लेके इसको हम स्ट्रेच करेंगे ऐसे ताकि इसके अंदर इलास्टिसिटी आए। ये स्टेप हम लोगों को 2-3 दफ़ा करना है। फिर से मैं डालूँगी इसके अंदर गर्म पानी के अंदर। अगर गर्म पानी आपका ठंडा हो जाता है तो उसको दोबारा आप फ्लेम ऑन कर दें। ये वाला स्टेप बार बार करना होता है, तकरीबन 6-7 टाइम्स बार बार इसको पानी के अंदर डालें और गर्म पानी होना चाहिए और इसको अच्छे तरीके से निचोड़ के तो फिर इसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं ताकि उसके अंदर इलास्टिसिटी जो है वो आए और मोज़रेला चीज़ की तरह ये काम करे। हमें इसको बार बार ऐसे करना है ताकि इसकी इलास्टिसिटी बढ़े।
4-5 टाइम्स इसको करना होता है इस तरह से। एक पॉइंट इसका ऐसे आता है कि जैसे इसके अंदर ना शाइन आना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है ये, तो स्मूथ होने तक हमने इसको बार बार ये स्टेप करना होता है। मैंने तकरीबन इसको 6 टाइम्स ये गर्म पानी के अंदर मैंने इसको कर लिया। ये देखें अब इसके अंदर शाइन आ गई है, आपको नज़र आ रही होगी हमारी चीज़ रेडी है, बहुत गर्म है। आप ग्लव्स पहन के कीजिएगा या इसको थोड़ी देर पानी में रख के थोड़ी देर बाहर निकाल के रखें, उसके बाद इसको स्ट्रेच करें जस्ट लाइक दिस। अब मैं इसको जो हूँ ठंडे पानी में रखूँगी और उसके बाद जो है हम फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। ये हमारी मज़ेदार सी मोज़रेला चीज़ रेडी है। देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत सी शाइन आ गई है, पहले कर्डल हो रहा था, अब कितनी खूबसूरत सी शाइन आ गई है इसके अंदर, स्मूथ हो गया। ये मैंने पानी इसके अंदर मैंने बर्फ़ डाल के इसको ठंडा किया, पानी को, पानी ठंडा है। अब ये देखेंगे कितनी प्यारी, कितनी शाइन आ गई है ना इसके अंदर हमारी मोज़रेला चीज़। अब मैं इसको पानी के अंदर रखूँगी थोड़ी देर के लिए। ये स्टेप करना बड़ा ज़रूरी होता है, पहले इसको गर्म पानी के अंदर रखना होता है, उन्हें चोड़ के उसके स्टेप्स करने पड़ते हैं 6-7 टाइम्स, और उसके बाद इसको ठंडे पानी में रखें। तो ये देखें अब इसके अंदर से बिल्कुल पानी क्लियर है, पानी साफ़ है, पानी इतना गदला नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये आपकी चीज़ रेडी है, मीन्स इसके अंदर से कोई मिल्क वगैरह नहीं निकल रहा, पानी मेरा साफ़ है, तो इट मीन्स कि ये रेडी है। अब इसको मैं क्लिंग फिल लगा के इसको मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी 3 आवर्स के लिए। आफ्टर 3 आवर्स हम इसको यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ब्लॉग बन गया, इसको तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं मुझे फ्रिज में रखे हुए। अब मैं इसको आपके सामने ही डीमोल्ड कर रही हूँ, ओपन कर रही हूँ, और ये देखें कितना खूबसूरत सा ब्लॉग टाइप बन गया। इसको हम क्रश करेंगे, कितनी शाइन है इसके अंदर और कितनी प्यारी इसकी क्रश हो गया ये। मैंने ये ब्राउन ब्रेड ले ली है मैं, क्योंकि ब्राउन ब्रेड यूज़ करती हूँ, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। और ये होममेड मैंने पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी भी आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, खुद घर में ही बनाई है। जितनी आप चाहें उतनी आप लगा के, तो ये जो मोज़रेला चीज़ मैंने इस कद्दूकश की थी ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत होममेड मोज़रेला चीज़। अब इसको बेक करने के लिए रखते हैं, ग्रिल कर लूँगी मैं इसको तकरीबन 2-3 मिनट्स के लिए। ये कितनी मज़ेदार मेल्ट हो गई है, ये मैंने इसको ओवन में रखा था तकरीबन 5 मिनट्स के लिए, ऊपर वाली ग्रिल सिर्फ ऑन की थी, और देखें कितनी अच्छी मेल्ट हो गई है ये। अभी मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये सेम एज़ बाज़ार वाली मोज़रेला चीज़ बन गई है, बल्कि मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा है बाज़ार वाली मोज़रेला चीज़ से। तो ये इतना मज़े का ये ब्लॉग बन जाता है, और ये देखें कितनी खूबसूरत, ओ यस, देखिए वैसे ही तार बनी है चीज़ की, कितनी खूबसूरत यार, घर में ही बना लो बजाय इसके के बाहर से लो, और कितने आराम से बन गई, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, सिर्फ दूध और विनीगर, तो मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लगी। ये देखिए कितनी तार निकल रही है। चलें, थैंक यू सो मच, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और थम्सअप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।